कंगना रनौत ने अपने आने वाली फिल्म इमरजेंसी के लिए कुछ बातें कही हैं। इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़क गई हैं कंगना रनौत। उन्होंने कहा, कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी, अचानक ये नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गईं। कंगना रनौत ने कहा कि वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ेंगी और इसे बिना काट छांट के ही वो दिखाना चाहती हैं। इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सब वजहों से फिल्म की रिलीज टाल दी गई। सेंसर बोर्ड ने इसे विवादित सीन हटाने के आदेश भी दिए। कंगना ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर फिल्म इमरजेंसी की चर्चा की। इस पर रोक लगने पर नाराजगी जताई, कहा, झाड़ के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं तो दकियानूसी कहानी बनती है। आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहेंगे, हम कब तक डरेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान के साथ इस फिल्म को बनाया है और बहुत मेहनत की है। हम अचानक से ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी अपने आप ही मर गई। कंगना ने कहा, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लोग महिलाओं से गाली गलौज करते हैं और इसके कोई बुरे परिणाम नहीं है। पंजाब से भी हर तरह की गाली गलौज सुनने को मिलती है। जब गाली से कुछ नहीं हुआ तो बात थप्पड़ पर आ गई, फिर लात पर आ गई और फिर जिंदा जलाने पर आ गई। आप देखिए कि जब इन्हें छूट मिलती है तो इनके हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं फिल्म की रिलीज को टालने पर सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आपको धर्म से संबंधित मामलों पर सतर्क रहना चाहिए। वो फिल्म की रिलीज टालने पर सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने यह भी कहा कि धार्मिक संगठनों ने इस बारे में चिंता जताई है। उनका कहना है कि फिल्म में काफी सेंसिटिव कंटेंट है। कंगना रनौत की इमरजेंसी की रिलीज टल गई है, बोर्ड और कट्स लगाना चाहता है। एमपी हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ सुनवाई भी होनी है। फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, हालांकि सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कट्स लगाने की बात कही ताकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। हालांकि बोर्ड ने पहले फिल्म को क्लियर कर दिया था लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिल्म के रिलीज को लेकर आज सुनवाई होगी। एक सिख संगठन ने याचिका में इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। फिल्म के खिलाफ रविवार को मुंबई के चार बंगला स्थित गुरुद्वारे के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनकी मांग है कि फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और कंगना पर कड़ी कार्यवाही की जाए। अब फिल्म कब रिलीज होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल अपनी फिल्म में कट्स लगने से कंगना रनौत काफी नाराज नजर आ रही हैं।